अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऑथेंटिक रिव्यू जो कि मदद करेगा आपकी अपना खाना चूज करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंजो रेस्टोरेंट जो कि एक अरेबिक फूड रेस्टोरेंट है और खुल चुका है बेरिया टाउन के अंदर, बहुत ज्यादा धूम मची हुई है पिंडी इस्लामाबाद में। जी अरेबिक रेस्टोरेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक चीजें है, शायद ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। फूड बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, टेस्ट माइल्ड होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी वीडियो है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं मंजो रेस्टोरेंट का रिव्यू। मैंने भी इसकी बहुत ज्यादा हाइप सुनी थी और हाइप सुनने के बाद हम भी पहुंच गए मंजो रेस्टोरेंट। देखने में इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा अपीलिंग थी, इनका फूड बहुत अपीलिंग था, देख कर खाने को दिल चाहता है। मगर असल हकीकत क्या है इस फूड के पीछे, वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट रिव्यू मिल सके कि मंजो रेस्टोरेंट आखिर है किस तरह का। तो हम जी पहुंच चुके हैं बेरिया टाउन फेज 4 के अंदर। यहाँ पर ये है इनकी आउटडोर सेटिंग जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और यहाँ से हम एंटर होते हैं तो एंटर होने के साथ यहाँ पे सारी आपकी सेटिंग है और सेटिंग के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने अपने 3 सेटअप्स बनाए हुए। एक सेटअप के अंदर इन्होंने जूस कॉर्नर रखा हुआ है, दूसरे सेटअप के अंदर इन्होंने मंदी का सिस्टम रखा हुआ है, और ये वाला जो सेटअप है ये इनका स्पेशल शवरमा सेटअप है जहां पर ये लोग सऊदी शरी यहाँ पर लेकर आए हैं मिस्री और यमनी शेफ को ऑथेंटिक अरेबिक फूड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जी हाँ, आप सबने भी इसी तरह का सुना होगा जैसा कि मैंने सुना है। यहाँ पर ये इनके अरेबिक शेफ्स हैं जो कि शवरमा तैयार कर रहे हैं। यहाँ की बहुत ज्यादा हाइप मैंने सुनी थी और ये इनका जो है जूस कॉर्नर है जहाँ पे आपको ऑलिव ऑयल नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा जितना भी आपको जूस कॉर्नर है वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। इसके अलावा ये इनका वॉशरूम एरिया है जहाँ पे एक वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ सिंक लगा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये सिटिंग एरिया है और ये इनका कम्प्लीट सेटअप है बेरिया टाउन ब्रांच का। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया है इनका शवरमा। इनका शवरमा जो था वो उसकी प्राइस थी 2300 रुपीस। जी हाँ, दो शवरमा की प्राइस 2300 रुपीस। आप अच्छे से अच्छा भी शवरमा कहीं पे खाते हैं तो आपको मैक्सिमम 300 से 400 रुपए का मिल जाता है, मगर इनका शवरमा जो है उसकी प्राइस सिंगल की प्राइस 1600 और डबल की प्राइस जो है उसकी प्राइस है 2300 रुपीस। तो हमने ऑर्डर किया इनका स्पेशल शवरमा। स्पेशल शवरमा के साथ ये लोग सर्व करते हैं फ्राइज और फ्राइज के साथ थोड़ा सा चिकन। और अगर हम टेस्ट की बात करें इसके तो इसका टेस्ट इतना बेकार था कि खाकर ऐसा दिल चाह रहा था कि शायद उल्टी आ जाएगी, इतना अजीब टेस्ट था। और मुझे नहीं पता कि लोग इसको किस तरह खा लेते हैं। फुल ऑफ ऑयल था, कोई उसके अंदर टेस्ट नहीं था। अगर आप बात कर रहे हैं या आप लोगों में से कोई लोग इस तरह के भी होंगे कि वो कह रहे होंगे कि अरेबिक फूड जो होता है वो टेस्ट में माइल्ड होता है, जी हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ अरेबिक जो फूड होता है वो टेस्ट में बहुत ज्यादा माइल्ड होता है, मगर माइल्ड होने के साथ साथ उसमें फ्लेवर होता है। इसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं था, टेस्ट में ये बिल्कुल जीरो था। अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं शायद इसको 10 में से 2 रेट करूंगी। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इनकी फ्राइज की, तो फ्राइज इनकी इस तरह थी जैसे कि आप किसी टिश्यू पेपर को डबो के तेल में से निकालते हैं, उसमें इतना ऑयल निकल रहा था और वो फ्राइज बिल्कुल ठंडी थी, मतलब खाने के काबिल भी नहीं थी। फिर हमने कंप्लेन की इनकी फ्राइज की और फ्राइज उन्होंने चेंज की, और चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं अभी भी इसमें किस कदर ऑयल है और इनकी फ्राइज किस तरह की है। हमें इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी उसके बावजूद हमसे ये खाना नहीं खाया गया। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अभी बहुत कुछ बाकी है मंजो रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए। तो ये था इनका सिंक का एरिया जहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए मैं गई, तो सिंक बिल्कुल गंदा था, ब्लॉक था, यहाँ पर खड़े होने को दिल नहीं चाह रहा था। मेरी बेटी ने वॉशरूम जाना था और वॉशरूम की तरफ जब हम गए तो वॉशरूम के अंदर शावर ही नहीं था, एक बॉटल काट के रखी हुई थी जिसको आप शायद यूज कर सकते, मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। तो मतलब लाइट के बगैर जब हमने उनको कंप्लेन किए हैं तो उसके बाद वो लोग इधर उधर घूमने लग गए और उसके अलावा उन्होंने कोई हल नहीं निकाला इस चीज का। सर्विस बिल्कुल, इस जगह पे आने से बेहतर है कि आप किसी स्टॉल से शवरमा खा लें। और ये देख सकते हैं आप लोगों के रिव्यू जो कि हमने बाद में चेक किए जब हम लोगों ने अपना रिव्यू देना चाहा, तो
तो लोगों ने जब अपने रिव्यूज शेयर किए हुए हैं तो उस टाइम पे इस रेस्टोरेंट का ऑनर जो है उनको थैंक यू बोल रहा है। मतलब इतनी बेहसी, इतनी बेशर्मी कि आप इतनी हाई फाई जगह पे बैठ के इतने पैसे लेकर आप लोगों को दे क्या रहे हैं। तेल में डूबी हुई फ्राइज और ऐसी जिसमें से ऐसे लग रहा था जैसे टिश्यू पेपर में से तेल निचोड़ रहे हो, इतना ज्यादा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।